क्योंकि शिक्षा पे हक सिर्फ सीमित लोगों का नहीं होना चाहिए, जो शहर में लड़के रह रहे उन्हीं का हक नहीं होना चाहिए वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें और इसके बारे में जाने। सर पिछले सर का अगर मैं सबसे अधिक मार्क से बात करूं तो एक लड़की थी गोल्डी कुमारी जो यहाँ पे है बैठी हुई है, 423 अंक था सर। इस साल हमने सोचा कि नहीं ये हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ करके जाना चाहिए लगभग 4.5 पार। मैंने सर टारगेट किया और इस साल सर ये बच्चा जो आपके सामने सर बैठा हुआ है विशाल कुमार यादव 2023 में सर मैट्रिक में सर 451 अंक लाया है। और अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के इतना तकनीक के इस्तेमाल करके पढ़ावल जाता या इतना बेहतर रिजल्ट दिल जाता तो वाकई में लगन और परिश्रम के फल हटे। शुरू से आर्ट्स पढ़ले बनी, प्रेमचंद के पूरा उपन्यास पढ़नी तो कहीं ना कहीं हमारा गाँव से लगाव हो गए। तो शुरू से रहे कि लड़का सन के मतलब पढ़ा के बड़ा अधिकारी बनावल जाओ या राइटर वाइटर बनावल जाओ ताकि गांव जवार का नाम अच्छा होके। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। प्रतिभा ऐसा चीज है जो उनकी कहीं भी रोकला से ना रुकेला, दबावला से ना दबेला और वो जहाँ ओकरा मौका मिली या संभावना दिखी वो पनपे लागी। एगो ऐसा प्रतिभा बा जौन की सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बा, रघुनाथपुर क्षेत्र के कणसर गांव हो जहाँ पर हम अभी उपस्थित बानी। और कणसर गांव जौन बावे ई ग्रामीण क्षेत्र है, एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। और यहाँ पर द कम्प्लीट कोचिंग सेंटर के नाम से एगो संस्थान चलेला और इस संस्थान ऐसे खास बन जाता काहे कि ग्रामीण क्षेत्र में चलेला, तब एमे 300 प्लस बच्चा पढ़े ले। जैसन कि बोर्ड पर वह देख सकते नहीं कि वहाँ 7 से लेके 12 तक के पढ़ाई होला, आर्ट्स के पढ़ाई होला। और ये भी देखिए ये साल जो 10th के रिजल्ट आइल बा या 12th के रिजल्ट आइल बा वो रिजल्ट में ये बच्चा जो टॉप के लिए बड़ा शौकनी के लिस्ट लागल बा। जैसे देखिए हाई अगर रैंक के बात कर जाओ या हाई मार्क्स के बात कर जाओ तो विशाल कुमार बने जेकर 90.2% मार्क्स आइल बा। ओकरा अलावा प्लस टू में सरिता कुमारी के 82.4% आइल बा। 10th में पलक कुमारी के 81.8, प्रिया कुमारी के 81.2, बाकी है नीचे और भी लोग बा जौन की 60% से ज़्यादा मार्क्स लेके आइल बलो। यानी कि देख सकते नहीं कि इतना चेहरा बा जौन की टॉप कैले बा। तो चलिए हम अंदर चलते नहीं, संस्थान में जे संस्थापक बा या जे संस्थान के चलावा था वो लोग से भी बातचीत करें और एक अलावा या खास भी कुछ बा वो दिखावे के कोशिश करते नहीं। बात के जिक्र कहीं नहीं है कि द कंप्लीट कोचिंग सेंटर खास बटे, खास काहे बटे कहकर रुआ देख ली कि हाँ स्मार्ट क्लास की सुविधा बटे। स्मार्ट क्लास जो उनकी बड़ा बड़ा शहरन में मिलेला और वह कम से कम सिवान जाए के पड़े या छपरा जाए के पड़े या पटना जाए के पड़े स्मार्ट क्लास के सुविधा लेवे खाती हमनी के आसपास के हमनी के रघुनाथपुर क्षेत्र कहीं जा तो हमनी के आसपास में ये सुविधा रुआ देखे के नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर ये सुविधा बार हुआ देख लें कि यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चन के शिक्षा दिल जाला और यहाँ पर शिक्षा देवे वाला यानी कि द कंप्लीट कोचिंग सेंटर के चलावे वाला संचालित करे वाला प्रवीण जी हमारे साथे बनी। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपको। सबसे पहले सर आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा थोड़ा सा हमको इस द कंप्लीट कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए। कणसर गाँव है, सुदूर ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर भी आप इतना आधुनिक तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, आखिर काहे गाँव में, काहे छपरा में नहीं, पटना में नहीं, सिवान में नहीं, एटलीस्ट रघुनाथपुर में नहीं? सर हमने सोचा कि जो सुविधाएं आजकल शहरों में दी जा रही है अगर वही सुविधाएं अगर यहाँ के बच्चों को दिया जाए तो जो परिणाम शहरों के बच्चों का होता है उससे बेहतर बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए सर मैंने लागत नहीं देखा कि लगे क्या, हमने सोचा कि बच्चे अगर कहते हैं तो हम करके देखते हैं कि परिणाम कैसा होता है। तो यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस जी सर मोटा खर्चा कर दिया इतना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बच्चों का सर बस सहयोग है और अभिभावकों का आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर विश्वास किए हुए हैं। तो पहले सर मेरा प्रदर्शन बेहतर था लेकिन हम सोचे कि नहीं इससे और बेहतर किया जा सकता है। अगर सर पिछले सर का अगर मैं सबसे अधिक मार्क्स से बात करूं तो एक लड़की थी गोल्डी कुमारी जो यहाँ पे है बैठी हुई है, 423 अंक था सर। इस साल हमने सोचा कि नहीं ये हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ करके जाना चाहिए लगभग 4.5 पार। मैंने सर टारगेट किया और इस साल सर ये बच्चा जो आपके सामने सर बैठा हुआ है विशाल कुमार यादव 2023 में सर मैट्रिक में सर 451 अंक लाया है। और अगले साल का मेरा सर टारगेट होगा, जैसे कि बिहार बोर्ड सर इस साल वेरिफिकेशन किया है टॉप 610 बच्चों का जो कि टॉप 10 में थे, तो मेरा सर अब टारगेट होगा कि यहाँ से अगर हम 20-25 अंक एक साल में बढ़ा रहे हैं तो अगले साल सर लगभग 475 यानी कि 475 अंक के पार बच्चे जाए और कुछ बच्चों का रघुनाथपुर से भी टॉपर के श्रेणी में वेरिफिकेशन के लिए सर बिहार बोर्ड में जाए, ये सर अगला मेरा टारगेट होगा। एक बच्चा रघुनाथपुर से गया भी था वो। सर, कोई सर हमें उतना सा जानकारी नहीं लेकिन 467 किसी बच्चे का था। हाँ, वो बच्चे गए थे यहाँ से लेकिन उन्होंने सर शुरुआत किया
और मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल इस संस्थान से भी बच्चे जाए और मैं अधिक संख्या में जाए रघुनाथपुर से, जिससे हम लोग का भी नाम होगा, संस्थान का नाम होगा और फिर गांव जवार का भी नाम होगा कि चलिए रघुनाथपुर से भी टॉपर के श्रेणी में बच्चे आ रहे हैं। तो क्लासेस कब से कहाँ चलाते हैं? मैंने बोर्ड पर देखा कि आप 7 से 12 तक पढ़ाते हैं। जी सर, आर्ट्स पढ़ाते हैं? नहीं सर, 7 से 12 तक सर आर्ट है, लेकिन वर्ग 10 तक हम लोग सभी विषय को लेकर चलते हैं। 10 तक मैंने ऑल है सर, 11 12 में आर्ट्स? जी सर, ओनली आर्ट। तो आप अकेले पढ़ाते हैं कि और? नहीं सर, मेरे सहयोगी है सुशील सर, तो वो सर आर्ट पढ़ाते हैं 12वीं का, और बाकी मेरे सहयोग करते हैं वर्ग 10 तक आर्ट के लिए। कितने बच्चे हैं टोटल अभी तक? 250 प्लस होंगे सर। 250 जी। यहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 250 बच्चे आ जाते हैं? जी सर। कितने यहाँ आसपास के? हाँ, आसपास के सर गांव, अगर मेरा गांव तो सर अधिक आबादी वाला है, तो यहाँ के अधिकतर बच्चे हैं। फिर अगर देखा जाए तो फुलवरिया गांव हो गया, फिर उसके बाद से बंगरा है, फिर बिलवार हो गया, और फिर दुधा के भी सर कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। 5-6 गाँव के सर बच्चे आते हैं सर प्रत्येक क्लास के लिए। इतना महंगा तकनीक लगाया है, सब कुछ लगाए तो फीस भी महंगा ही रहते हैं? नहीं सर, फीस वही रहेगा, आर्थिक बोझ सर हम उठाएंगे, ठीक है ना, बच्चों का जो है वही रह गया, बाकी हम कर लेंगे, बस बच्चों का सहयोग रहा और सिर्फ परिणाम सर बेहतर आना चाहिए। और भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको भी लाएंगे, जैसे कि सर ये बच्ची बंगरा से आती है और इसका इंटरमीडिएट में सर इस साल 412 अंक था, तो हमारे ख्याल से अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो परिणाम सबसे बेहतर रहा तो इसी लड़की का था। तो उस तरह से है कि जैसे सर मेरा गाँव थोड़ा सा सर अगर देखा जाए तो हम लोग हैं या फिर जो भी मेरे साथ सहयोग करने वाले शिक्षक हैं उनके बदौलत और बच्चों के मेहनत के बदौलत आगे जा रहा है। तो हम सोचे कि नहीं, मेरा गाँव ही नहीं, आसपास के बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले, और वो सर साक्ष्य के तौर पर सही लड़की है। नहीं, आपने जो मेहनत की है वो आप, मैंने देखा बोर्ड लगाया था आपने, पिछले साल का रिजल्ट का वो भी मैंने देखा, इस साल के भी रिजल्ट का मैंने देखा, और उसके अलावा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं? जी सर, कंप्लीट एजुकेशन बाई प्रवीण सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो बहुत सर पहले हमने 2020 में शुरुआत किया था उसका, लेकिन किसी कारणवश उसको मैंने आगे नहीं कर पाया जी, लेकिन सर इस साल अब सोचे कि नहीं, उसको व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से मान लीजिए शहरों में जो सुविधाएं दी जा रही है, वहीं से मैं बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के सर शिक्षा के माध्यम से सहयोग करूँगा। तो आगे क्या एम है? जैसे भी अभी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, 7 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर लेके आए हैं, आगे एम जैसे आपने बताया कि अगली बार हमारा एम है कि 475 के आसपास कम से कम रिजल्ट जाए, तो इसके अलावा और क्या एम है, इसको और क्या डेवलप करना है, क्या कुछ करना है? हाँ सर, इसको डेवलप करके सर हम अभी जैसे बताया कि अभी यहाँ पे 8 ही हैं इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन आगे सर अगर एक शिक्षक और हमें मिल जाते हैं मैथ के अलावा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो हम सर इंटरमीडिएट साइंस के भी यहाँ पे सुविधाएं ला सकते हैं। जैसे बहुत सारी बच्चियाँ जो पास आउट है सर, 10th में बोल रहे थे कि सर यहाँ पे अगर साइंस का आप करते तो हम लोग के लिए बेहतर होता, क्योंकि सर हमने देखा है ना कि मान लीजिए कि बहुत सारे तमाम सैकड़ों बच्चे सर हमने पटना, सिवान, छपरा भेजे हैं, लेकिन उन बच्चों का परसेंटेज सर जो 10वें क्लास में परसेंटेज होता है उनसे कम आता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम यहाँ पे दे रहे हैं सुविधाएं दे रहे हैं या फिर जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे सर एक मोटी रकम देने के बाद भी शहरों में सर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले समय में सर अगर हो सकता है मैंने कुछ नया किया तो 12th के लिए सर साइंस क्लास शुरू होगा, और इससे सर बहुत सुविधा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप स्लाइड के माध्यम से हम जो भी होगा वहाँ पे, जिससे मान लीजिए बैनर है बच्चों को दिखा रहे हैं तो विजुअली हम दिखा सकते हैं, और कोई भी सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो मेरा बैनर ही हो गया, जैसे देखिएगा सर सुविधा क्या है मेरे यहाँ और परिणाम आने का कारण क्या है कि अस्पष्ट जो भी होता है ना वो बच्चों को दिखता है। इस मान लीजिए सर मेरा प्रिंट आउट कॉपी है जो हमारे ख्याल से अभी इधर कहीं पे नहीं है, फिर बच्चों का सर जो परिणाम आता है, जैसे देखिएगा सर विशाल कुमार यादव ये 100 अंक सर लाया था मेरे यहाँ जो टेस्ट हुआ था, पिछले साल हम सर 24 टेस्ट लिए थे। अच्छा, तो देखिए सर इसका यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया, 100 में 100 टेस्ट मिला है तो 100 अंक हम लिए थे, और फाइनल बोर्ड के एग्जाम में सर 98 आया है। तो कहीं ना कहीं सर लग जाता है ना हम लोग को टेस्ट लेने के बाद कि बच्चा यहाँ तक कर सकता है। और जो बैनर वगैरह लगाने की बात अब सर बोले कि बैनर वगैरह बहुत पुराना वाला भी देख रहे हैं, नया वाला भी देख रहे हैं, इससे सर बच्चों को एक टारगेट मिलता है कि ये लड़का जिससे मान ली कि इन्होंने 451 किया तो उसको लगेगा कि नहीं 451 तो हो गया, अगर मेरा अगर इसी तरीके से लोग नाम जाने या फिर मैं अगर भविष्य में बेहतर करना चाहता हूँ तो इससे आगे लाना है। तो बच्चों को टारगेट एक दिखता है, जब भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे तो पहले बैनर को देखेंगे फिर एंट्री करेंगे। इसके बाद सर बहुत सारा इसमें फीचर है जो अभी जैसे देखिएगा, अगर मान लो कि बच्चों के सर हम बता रहे हैं कि किसका कितना नंबर आया तो यहाँ पे सर हम दिखला सकते हैं उसके, जैसे देख सकते हैं ये भी कि इसका वीक पर्सन क्या था, और जो भी वीक पर्सन है बच्चों को आने वाले समय में हम उस पर टाइम दे करके उसको सर मेंटेन करेंगे तो बच्चे यहीं टॉपर के श्रेणी में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर स्लाइड है कुछ,
पलक कुमारी है सर, 409 आया था कणसर विद्यालय से, अगर देखें तो लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ इसका स्कोर था 409। फिर एक प्रिया कुमारी गुप्ता थी हमारे पास, उनका अभी इसमें नहीं है, उनका सर 400 था। इस तरह से तमाम बच्चे हैं जिन्होंने कि इस साल लगभग सर 4 बच्चे थे जो 400 सर पार किए, और अगले साल है कि सर ये कहीं ना कहीं सर दहाई अंक में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं भी रहेगी आपके साथ कि आप बेहतर करिए, क्योंकि मुझे ये देखकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप गांव में, और मैं वैसे जगह पर जाकर बड़ा खुश होता हूं कि अगर गांव में कोई एक जुनून के साथ बदलाव की कोशिश कर रहा है तो मैं उसके हमेशा सपोर्ट में रहता हूं, और आप कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। सर लोगों ने कहा कि आप सर यूनिक काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगा कि वाकई यूनिक है, लेकिन सर जब आप आए तब हमें लगा कि नहीं, हमने वाकई कुछ यूनिक किया है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, इनका से हम बात कर लेते नहीं। विशाल कुमार नाम होता है जी सर। कितना टोटल मार्क्स बटे? 451। कैसे तैयारी के लिए रहा, का शेड्यूल रहे, का किंग पढ़ा? हम सर जनवरी से यहाँ पे सर क्लास टेंथ का पढ़ाई शुरू हो जाता है। यहाँ पे सर नोट्स पूरा याद हमें था सर, नोट्स जैसे मैंने शुरू में सर 6-7 घंटा पढ़ाई थी किया, और परीक्षा के टाइम मैंने 10 से 11 घंटा हो गया सर। फेसबुक व्हाट्सएप कितना देर चलाते हो? फेसबुक मेरे सर रहते हैं, मैंने ना चला लो, रील्स ना देखे ला? नहीं। अच्छा, मतलब रील्स ना देखे ले कर, मतलब रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, तो का एम रखा तरह भविष्य में, का करे के बाद आगे, प्लस टू में का करे के बाद, उकरा आगे का करे के बाद भविष्य में? नीट क्वालिफाई। नीट क्वालिफाई करे के बाद डॉक्टर बनब? परिवार में के बाद? पापा जी बनी। का करे नहीं पापा जी? ग्राम पंचायत रोजगार सेवक हैं, सिसवन कला के। अच्छा हाँ, पंचायत रोजगार सेवक हैं। चलो बहुत शुभकामना हमारा तरफ से, मन लगा के पढ़ाई करो, कहे कि हमारा लगा था कि मैट्रिक में ढेर नंबर आई ली को बोझा बढ़ जाए का पैर पर, कि अब इंटरव्यू में बढ़िया लिया के बाद और आगहूँ बढ़िया लिया के बाद, तो मन लगा के पढ़ाई करो। और कुछ छात्रा लो बटे, पलक कुमारी। अच्छा पलक कुमारी है, पलक कुमारी कितना मार्क्स पा बेटे? 409। घर ही जा कर सर? यस सर। कैसे मतलब पढ़ाई के शेड्यूल क्या रहा, कैसे पढ़ाई करते? हम जनवरी से यहाँ पढ़ाई कर ले बनी, और दिसंबर मार्च तक फाइनल हो गया पढ़ाई। ठीक है सर, पढ़ाओ तो कई घंटा पढ़ा लो? तीन घंटा यहाँ पर। उसके बाद स्कूल भी हुई? नहीं, टेंथ में स्कूल नहीं जाते थे लोग। और अलावा घर सेल्फ स्टडी? 5-6 घंटा शुरू में और फिर 10-12 घंटा तक पढ़ते रहे अंत तक। तो मतलब कवना तरीका से, खाली ऐसा नहीं कि स्मार्ट क्लास में है बड़का को टीवी लगा दल बा पढ़ाइयो होला लागल बता? इससे हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी। अच्छा अभी नहीं पढ़े हैं? हम लोग वही बोर्ड पे पढ़े हैं लोग। अच्छा अभी तो प्लस टू खाती बैठे हो? पढ़ाई यहाँ पर बढ़िया होला? यस सर। माहौल ठीक बा? बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव के माहौल बा तो थोड़ा लोग कहते गए आ गए ही जगह रह के लोग। का भविष्य में का बने के बा, कुछ बा सपना है? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर होने के बा, चलो शुभकामना बा हमारा तरफ से, और अच्छा से पढ़ाई करो। और ई प्लस टू में ले रही, कितना मार्क्स है आपका? मेरा 412 नंबर था। नाम क्या है? मेरा नाम सरिता कुमारी यादव है। यही की है? नहीं, मैं बांगरा गाँव से। बांगरा गाँव से? आपने कैसे पढ़ाई की थी? स्कूल कौन था, राजपुर था या? नहीं, जीके कॉलेज आदमपुर। आदमपुर से थी? यस सर। कैसा रहा पढ़ाई का सफर आपका? मेरा पढ़ाई का तो सफर बहुत अच्छा रहा। मैं इसका परिणाम अपने सर को देती हूँ और अपने माता पिता को देती हूँ, जो मुझे इतना मतलब गौर से पढ़ाया है, और मैं पढ़ना चाहती थी तो मुझे यहाँ आकर। 81.4 कितना था मार्क्स था आपका? 81.4 था मेरा। 81.4। क्या सपना क्या है आगे? मेरा आगे सपना मेरा है टीचर बनना, मैं टीचर। हाँ, तो बीएड करना है या डीएलएड करना है? मुझे अभी तो डीएलएड करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद बीएड करूंगी। जी चलिए आप, शुभकामना है। और कैसा पढ़ाई होता है ओवरऑल हम बात करें इस पे, आप पढ़ी हैं इस पे? नहीं अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ। अभी अभी नया नया अभी नहीं आया, एक सप्ताह पहले आया है। चलिए इसके बाद जो आएंगे आपके बाद वाले बच्चों को ये लाभ मिलेगा। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं आप सभी को। प्रिया कुमारी नाम की को छात्रा बड़ी, प्रिया नाम होता है? यस सर। कितना मार्क्स आए बा? 406। 406। यस सर। तो टोटल पढ़ाई यही है स्पेलर? नहीं सर। हाँ, शुरू के 5-6 महीने यहाँ पे नहीं किया। अच्छा, पर सिलेबस सारे यहीं पे पढ़ी, वहाँ पे कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ था। अच्छा, और स्कूल कौन सा था आपका? करसर, मेरे राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, यही? हाँ, करसर गाँव का विद्यालय। स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं, स्कूल में पढ़ाई होता है। बिहार सरकार का स्कूल है, जिंदाबाद।
मठ सब लोग भी जिंदाबाद है। खैर तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा आपने? यस सर। क्या करना है सर? मेरे पापा चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, पापा प्रोजेक्ट रख ले बड़े। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है मेरे पापा पर। मेरे पापा पढ़ाने के लिए हम लोग को कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई में मन लगता है? यस सर। आप आगे बायो से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। डॉक्टर बनना है तो। हाँ। चलिए, शुभकामना है और आप जाइए पढ़िए। नीरज नाम है बाबू? यस सर। बलवार? यस। कितना मार्क्स बताया? 393 नंबर। 393 नंबर, मतलब 80% तो नहीं खत्म रहेगा। यस। लेकिन कसक बाग कहीं ना कहीं। यस। क्या लगा था कि मतलब ठीक ठाक नंबर आएगा कि कम आएगा? सर कम है, 400 का टारगेट था। 400 का टारगेट था। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारे, कभी मैट्रिक हटे आगे जाए के बाद और बहुत पढ़े के बाद। कौन विषय जो बाद में ज्यादा इंटरेस्ट पड़े? सर आर्ट्स। आर्ट्स। यस सर। आर्मी में जाएंगे। डिफेंस में। और ठीक है, तैयारी करो, दौड़ो पूरा, लाग जाए तैयारी में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना बा। यहाँ पर और भी शिक्षक लोग बा, जो नाम है सुशील कुमार सिंह बानी। रउआ बताई कौना तरीका से यहाँ पर पढ़ाई रुआ लोग करावनी, लोग का मोटिव के साथ पढ़ावे? सबसे पहले भैया हम रउआ के स्वागत करतनी अपना गांव में। रउआ बहुत आइडियल रहल बानी, हमनी के रेडियो पे रउआ के सुनले बानी सन, बड़ा अच्छा लगत है देख के। रउआ श्रोता लोग के भी हम अपना तरफ से हाथ जोड़ के गोर लगतनी। पढ़ाई के सर जहाँ तक प्रश्न बा सर, एक बार प्रश्न करी तो, मतलब कौना मोटिव के साथ बच्चन के शिक्षा देनी? सर हम शुरू से आर्ट्स पढ़ले बनी, प्रेमचंद के पूरा उपन्यास पढ़नी, तो कहीं ना कहीं हमरा गांव से लगाव हो गए। तो ये शुरू से रहेला कि लड़का सन के मतलब पढ़ा के बड़ा अधिकारी बनावल जाओ या राइटर वाइटर बनावल जाओ, ताकि गांव जवार का नाम अच्छा होके। तो यह सब मोटिव के साथ पढ़ावनी हम लड़कन के। अच्छा, प्रेमचंद के जिक्र कैनी हाँ, प्रेमचंद के रुआ पढ़ले बनी गांव से लगा हो गए। ऐसा नहीं लागत कि आजकल के जो यूथ बा, आजकल के जो समाज बा, वो कहीं ना कहीं साहित्य से दूर होखल जाता, जौना के वजह से अंदर से जो ह्यूमैनिटी बा वो खत्म होखल जाता? सर ई कहल तो बहुत मुश्किल बा कि लड़का लोग के मतलब लगाव साहित्य से दूर होता। हो सकता है कि बात शहर में अप्लाई होके, लेकिन गांव देहात में अभी सत्य नहीं है। गांव देहात में अभी वह भावना बह रहा बा, एक एक चीज़ हम देखेनी कि सब कुछ मतलब ठीक ठाक होता, सब लोग पढ़ता साहित्य के, अच्छा लगता। तो शहर में ऐसा का हो सकता, गाँव में सब ठीक बा। सर जी सर, बच्चा सन के जा कितना सपोर्ट मिलेगा, चूँकि रउआ लोग बड़ा अत्याधुनिक कुली तरीका से अपनाओ इन लोग पढ़ावे खाती, तो बच्चा उतना सपोर्टिव बाड़े या वो स्तर के बाड़े कि लेवल के समझ पाओ? सर बच्चा लोग के जहाँ सपोर्ट के बात बा, तो बिना सपोर्ट के हमने के 10 साल हो गए पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा सपोर्ट कर ला लो। पढ़ाई के साथ साथ अगर बैक में भी कुछ काम होता तो उनमें भी लोग सहयोग कर ला लो, बात बाकी सब बात माने ला लो। तो ये देख के बहुत अच्छा लगे सर, काफ़ी अच्छा लगे, मतलब गाँव बहुत अच्छा बा सर। ऊपर से लड़का भी घरे आसे पास के बड़े कुली गांव जवान जी, जी 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 मान ली के घरे के बड़े अपन छोट भाई बहन बड़े। हाँ, ये एकदम मतलब भाई बहन जैसे घरे आइल गइल, पूरा पेपर घरे लेके पहुँच जा रहा लो कि सर जी जांच दी, या और भी तरीका से आदमी जितना सहयोग हो सकता हमनी के कर देनी सुन, ये लोग भी सहयोग कर ला, परिणाम दिखा था सर। बिल्कुल परिणाम दिखा था। और अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठ के इतना तकनीक के इस्तेमाल करके पढ़ावल जाता या इतना बेहतर रिजल्ट दिल जाता, तो वाकई में लगन और परिश्रम के फल हटे। राहुल के नाम का? हमारा नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह, और वर्तमान में हम रेलवे में कार्यरत हैं। अच्छा, तो जब यहाँ आते हैं छुट्टी, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो बच्चों के साथ समय गुजारते हैं, और हमारा मोटिव यही होता है कि हर बार कुछ नया दिया जाए बच्चों को, क्योंकि शिक्षा पे हक सिर्फ सीमित लोगों का नहीं होना चाहिए। जो शहर में लड़के रह रहे उन्हीं का हक नहीं होना चाहिए कि वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ें और इसके बारे में जानें। हमारा ये था कि पहले हम लोग पढ़ाते थे और ऐसे सिलेबस पूरा करवाते थे, हमने कहा कि नहीं अंकल जी, इसमें आप इनकी परीक्षा हमेशा लीजिए और टॉपिक वाइज लीजिए, ताकि बच्चे का कहीं अगर डाउट हो तो वो समझे आके। फिर हमने कहा कि शुल्क, हमने देखा कि भाई शहरों में ज़्यादा है, ऑनलाइन भी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे, कोरोना से पहले तो ऑनलाइन था ही नहीं। फिर हमको हम लोग इसके ऊपर विचार किए कि एक ऐसा शुल्क रखा जाए जिससे हर बच्चे के पास उतनी पहुंच हो पाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा वंचित रह रहा है। ठीक है, तो हमने मासिक शुल्क का भी हमने जिक्र किया, डिजिटल बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं, हमने मुद्रित प्रश्न पत्र व पुस्तिका लाया, ताकि बच्चों को पहले ही फील हो कि पेपर में कैसा प्रश्न दिखेगा। ऐसा नहीं कि जब मास्टर साहब लिखवा दे लें
अपना हिसाब से जौन आसान से लिख दिल गई आसान से बन गई और ये जाते हैं तो आज बल हमारा तो पढ़ाई लूद नहीं खेल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि नहीं, मुद्रित प्रश्न पत्र और पुस्तिका अप्लाइए, थोड़ा खर्चा करिए, थोड़ा बजट पे प्रेशर बने तो कोनो बात नहीं है, लेकिन गांव में रहते हुए शिक्षा पे हक सबका होना चाहिए। हमने क्लास नोट्स के ऊपर बात करा कि आप सर अपना दीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी बात को हम अगर जब पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो बुक में सर जो लिखा है भाषा बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, लेकिन जब भोजपुरी में हमने कोनो भी बात में बतावे नहीं जाए तो ओकर एगो अलग ही जवाब बा। तो इसलिए हमने इनको कहा कि आप क्लास का नोट सर उसको बढ़िया से लिखवाइए आप बच्चों को आसान भाषा में मिल सके, और इसके लिए इनको कैरियर का गाइडेंस दीजिए कि ऐसा ना हो कि दसवीं में बाबू लिया दे 85% और बाद ही घूमे लग लें, बारहवीं में ही फेल हो गए लें और जिंदगी के रेस में हार गए। तो इसलिए हमारा हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और हर तरफ बच्चा विकास करें, वो बाद में भी अपने जीवन में भी सफल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख ली सारा चीज के मोटो और ध्यान में रख के चाहे वो नियमित परीक्षा हो। हमसे क्यों जुड़े ये हमारा सवाल था, अगर कोई हमसे जुड़ता है तो क्यों जुड़ेगा, तो ये हमारे सारे ये उत्तर हैं कि जिसके वजह से हमारे नए छात्रों को, हमारे गांव के छात्रों को, हमारे आसपास के छात्रों को, और हमने अब ऑनलाइन भी शुरू किया है तो वहां हमसे क्यों जुड़े, इसके लिए हमने यूट्यूब पे जुड़ने के लिए हमने क्यूआर कोड का उपलब्ध कराया है ताकि बच्चा वहां से स्कैन करे और नियमित रूप से शिक्षा ले सके। हमारे पास पढ़े या ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन भी आए, आप हमको देखें, हमसे सीखें, अच्छा लगता है तो हमको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। चलिए बिल्कुल बेहतर तरीका से यहाँ देख लें कि सब चीज़ पहले ही डिस्क्राइब कल विवाह की नियमित परीक्षा हो, न्यूनतम मासिक शुल्क रखल जाए, डिजिटल बोर्ड बढ़ले बाटे, ओकरा अलावा प्रश्न पत्र जौन बाटे वो प्रिंटेड बाटे, प्रिंटेड नोट्स देहल जाता और करियर गाइडेंस देहल जाता। ये बहुत बड़ा विषय बा, काहे कि हमने यहाँ जौन बनू भेड़ चाल चलेला, हमने यहाँ भेड़ चाल के मतलब कि पढ़ाई शुरुआत भइल आगे का करे के बा कैसे करे के बा भगवाने वाले के बारे ना बाबूजी बतावे ले ना बहरी केहू बतावेला, कुछ केहू बतेबो करी तो उल्टा बताई कि सिगरेट पियला का फायदा बा, एकरा अलावा लाइफ में कैसे रहुआ बेहतर हो सके तनी एकर गाइड देवे करे वाला लोग मतलब ना के बराबर बटे। और सर हम कहना चाहेंगे कि एक हमने कहा कि अगर अच्छे नंबर का आपका जुनून है तो हमारे कंप्लीट कोचिंग के साथ आप आकर शुरुआत करिए। देखिए ये लड़का हमारे पास 90.2 नंबर लाया है, ये 82.4 है, 81.8 है और 81.2 है, बस हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे बच्चे आएँ और अच्छे नंबर लाएँ, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और सबसे अधिक तो बात ये है कि यदि आप गाँव में रह रहे हैं तो ज़रूर नाम रोशन करें, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो कहेंगे फलानवा का लड़का तो पढ़ के कुछ कहबे ना कैलस तो हम कैला पढ़ाएं। तो हमारे जितने भी युवा पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनकी एक सोशल जिम्मेवारी है कि वो लोग अपने लिए बेहतर करें, अपने जीवन के लिए बेहतर करें, ताकि आप ही लोग को देख के आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, लोग सिखाएंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए इधर कंप्लीट कोचिंग सेंटर है जो उनकी कड़सर में संचालित होला, जहाँ पर बेहतर शिक्षा देहल जा रहा बा। हम दावा के साथ कह सकते नहीं, ऐसे कह सकते नहीं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह के एकदम प्योर गवई माहौल में रह के और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ावल जाता, डिजिटल क्लासरूम में पढ़ावल जाता और रिजल्ट रुआ सामने बटे कि देख ली रुआ 90% बावे, 82%, 81%, 81% ए तरह के रिजल्ट अगर देहल जाता तो वाकई में कहीं ना कहीं मेहनत और जुनून के ही फल हटे। तो रुआ आसपास के बानी तो एक बार हमरा कहला अनुसार एक बार यहाँ आई विजिट करी, आके देखी कि यहाँ के माटसाम लो जौन बानी लो पढ़ाओ तनी लो कौना तरीका से पढ़ाओ तनी लो, अगर समझ में आवे रुचे तो यहाँ आके क्लास करी, नहीं क्या समझ में आओ तो फिर हुआ आज़ाद बनी रहुआ जहाँ मर्जी जाए के बा, राउर करियर हर हुआ डिसाइड करी का करे के बा। और फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।